ये लोग हो और लोग सिंचाई की संगत कर रहे हो, अब ये सब जंगल खत्म हो और इस डिपार्टमेंट का कोई योगदान नहीं है। करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च करके यहाँ पर देवदार दे पाओगा जड़ी बूटियों के लिए, ऐसी जगह। हाँ हाँ और आते हैं। I did. I started already. Yes. ऐसा है जी। ये पर्यावरण विद जो हैं, ये अपने सकलानी जी, विशेष रूप से सकलानी जी, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप। पहले से फ्रीडम फाइटर परिवार है जी, बड़ा भाई इसका राजेंद्र सकलानी जी, वो भी मारा गया कितने बार मूवमेंट में, वो टेरिक राजा ने मारा था, टेरिक राजा ने जी जी। उसके बाद इनके जितने भाई थे जी सबको मार पड़े। अच्छा, उजार गाँव में अच्छा राजा की फौज आई थी। अच्छा, तो सबसे पहले इन्हीं पे मार। ये फौज कब आई थी? 1948 1948 था। हिंदुस्तान आजाद हो गया था जी जी जी, यहाँ दमन चल रहा था। हाँ, वो तो आजाद नहीं था। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो स्टेट थी ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस इन 47, वेयर एज दिस प्लेस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश टिल 48। वैसे इस इलाके का दुर्भाग्य जी। अच्छा, ये टेरी गुलामी का था जी, ब्रिटिश एम्पायर जी, राजा जी वर्सेस जागीरदार जी, मुआफिदार जी, जिसमें से ये है जी कर्नल जी, कर्नल सकलानी यही मुआफिदार थे। हाँ ठीक है, माफीदार थे, बिल्कुल ठीक बात है, पक्की बात है। उनकी बंगला भी है वहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, बंगला है। हाँ, इनके बुजुर्ग माफीदार थे जी जी जी, और इन्हीं को यहीं से निकाला गया था सकलानी। अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो। और जब इनको निकाला गया तो इन्होंने राजा को लिख के दिया जी कि प्रजा मेरे से कंट्रोल से बाहर हो गई। अच्छा, लिहाजा यहाँ फौज भेज दी। ओहो, सर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस एक्चुअली। उसके बाद यहाँ के कई लोग थे जी, सीलमन जी हुए जी। तो माफेदार कौन होते हैं? माफेदार अब तो नहीं है इनके, मतलब समय क्या थे ये लोग? जागीरदार। अच्छा, मतलब टैक्स लेते थे लोग? अपना इनका राज्य होता था जी, और जैसे मान लिया सिविल की जमीन है जी, उसका पैसा लेते थे जी, फॉरेस्ट राजा का। अच्छा, तो पहले तो ये थे माफेदार। अच्छा, और ये विश्वेश्वर दत्त जी तो इनके चाचा लगते हैं, ये कैसे? परिवार के परिवार के हैं पर ये नहीं थे माफेदार। अच्छा, लेकिन तो इनकी तो दुश्मनी हो गई आपस में हैं, तो आज दोस्त कैसे बन गए? आज दोस्त तो ऐसा है, इन्होंने पेड़ लगा दिया तो उन्होंने उसके ऊपर एक संस्था बना दी, संस्था बना दी। तो ये कैसे हो गया फिर? अब आप मैं यही बात, असली बात बताए ना, मतलब की जो उसमें असली बात ये है जी कि ये लोग उस वक्त गरीब थे। कौन लोग? जैसे विश्वेश्वर सकलानी, नागेंद्र सकलानी। तो अभी भी गरीब है? अभी भी उतना अमीर तो नहीं? आज भी गरीब है जी। अब जब आदमी को समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, हाँ सही है जी, जब नागेंद्र के नाम से चमक गए जी, इनको पेंशन मिलने लग गई, जैसे कुछ भी मिले जी जी, अब उनको आड़ चाहिए कि उनको कर्नल सकलानी को आड़ चाहिए, आड़ चाहिए किस चीज़ के लिए? दूसरे के कंधे पे बंदूक रखने की। अच्छा, अब वो सीधा साधा आदमी है सकलानी, वो नहीं समझता विशेष्वर वो चीज़ें हैं। अच्छा, कर्नल साहब जो फौज में रह चुका है, जो पहले राज कर चुके हैं जी, वो कभी किसी का हुआ? उन्हें तो अपना वो देखना है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं इसमें, ये तो दूरदर्शन पर भी आ जाएगा, आ जाएगा, ये तो विदेश में भी जाएगा, तो इसको तो कर्नल साहब भी देखेंगे, देखेंगे तो फिर वो आपसे नाराज हो जाएंगे। आपको डर तो नहीं लगता? स्वतंत्र में हमारा तो परिवार ही सारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। अच्छा, हम क्यों डरेंगे किसी? कोई डर नहीं है, पढ़ी लिखा आदमी जिसने समाज में जी हिंदुस्तान का हर कोना ढूंढा हो जी, हर जगह गया हो, हर सोसाइटी मूव की हो जी जी, हम तो ये कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भी अगर कोई गलत काम कर रहा है जी, तो हम तो नहीं डरते। सही बात, सही बात भाई, आज़ादी इसीलिए भी ठीक बात है जी जी, हम गुलाम तो नहीं हैं जी जी जी। तो सकलानी जी आपसे नाराज होंगे, आपको इसकी कोई चिंता नहीं? कोई फर्क लाए वो पर्यावरण बिल को? तो कर्नल साहब तो फौजी हैं। एक दफे इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के माध्यम से जी 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 यहाँ पर कई लोगों को लाए, जिसमें राज्य परिवार के लोग भी थे। महेंद्रपुर में एक सम्मेलन तो होता है, पर्यावरण सम्मेलन अभी यहाँ सत्यो में हुआ था। अब एक ही बार हुआ था, एक ही बार, सिर्फ एक बार हुआ था। उसमें कुछ नौजवानों ने ऐसे भाषण दे दिए जी कि कर्नल सकलानी को भी ना गुजारा गुजारा। किन नौजवानों ने कहा? के नौजवानों ने यहीं के लोकल लोग, लोकल लोगों ने। अच्छा, ये भागते हुए नजर आए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, विशेष तो सकलानी ने जंगल लगाया जी,
अन्य लोगों का क्या योगदान है? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बहुत बहुत नहीं, बहुत मोटी बात है। ये जंगल है जी 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 जी, अगर मैं इसको लगाता हूँ जी, अन्य लोगों का कुछ नहीं है जी। अब हम ही हैं, हमें आप प्रचार नहीं करते। सही बात, यहाँ पर कुछ लोगों ने चम्मा मसीह जोड़ दिया जी, ये स्वामी है जी, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई जी, भले लोग जेलों में गए, ठीक बात है, मुकदमे चले जी, अभी मुकदमा चल रहा है जी जी। फिर एक भंडारी था जी, फौरन के बाद में इनको नींद तब आई जब हमने यहाँ पुलिस मंगा दी। अच्छा, जंगल कर रुकवाने के लिए जी, जी, जी। ये बेल्ट बनी इतनी बड़ी जी, जंगल को काट के फायदा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक बात है, आपने देख लिया जी, जी। वो मोहम्मद तुगलक वाली बात है जी, जी। एज ए चीफ सेक्रेटरी भैरव दास सनवाल, अगर यूपी के चीफ सेक्रेटरी न होते तो ये जंगल न काटते, क्योंकि उसे प्लॉट की जरूरत थी। सारी बात तो भली भगत है अपनी मन की। आज उसने 10 लाख रुपए को प्लॉट बेच दिया पावर ऑफ अटॉर्नी पे। अच्छा, ओहो, अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी में उसी स्वामी को बेच दिया उसने, और उन्हीं के पशु रहते हैं उसे। हाय हाय, ओहो, वो अंग्रेजों वाली पद्धति अभी गई नहीं, बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। आज विशेष तौर दर्शन यहाँ अगर 10 पेड़ लगाएगा जी जी जी, तो गाँव वाले उसका विरोध करेंगे। कौन कौन? गांव के लोग। नहीं, किसका किसका विरोध करेंगे? बिशेश्वर का। कहाँ का? मैंने देखा वो तो पेड़ लगाते हैं, मैं तो पिछले बार तो पेड़ लगा रहे थे। वो तो लगा रहे हैं हाँ जी, पर अन्य लोग उनको लगाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए है जी कि कोई अच्छा काम अगर कोई आदमी करता है जी, तो हर आदमी को जलन हो। सही बात जी, हमारे दृष्टिकोण से तो उसके बराबर भला आदमी कोई नहीं जी। यानी एक जंगल तो लगाया उसने जी 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 जी, वो जो जगह है जहाँ पर इंटर कॉलेज है जी, अगर वो जगह ना देता जी, उन्हीं का मकान था वहाँ पर। किनका? विशेश्वर कटलानी का। उन्हीं मकान बनाया वो? पहले हाई स्कूल प्राइवेट उसी ने खोला। अच्छा, और ये बाद में चंडी प्रसाद वगैरह बाद में उसमें आए, टीचर बने। ये तो बाद वाले हैं, तो बाद के हैं। ये तो गवर्नमेंट जब भूख हड़ताल में बैठे है विशेश्वर कटलानी। अच्छा, क्यों बैठे थे? कि यहाँ पर हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो। अच्छा, प्राइवेट था ना पहले, तो परिपूर्णानंद पेनोली फ्रीडम फाइटर जी 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 एमपी जो रहे ठीक है, उन्होंने घोषणा की थी कि हाई स्कूल खोल दिया जाए। अच्छा, अच्छा, इंटर कॉलेज की घोषणा एच एन बगुणा ने की जी जी जी। तो अभी आजकल कर्ण सकलानी का एक एक योजना है वो यहाँ पर कि गांव में विकास हो और लोग गाय पालें, और वो यहाँ पर वो एक अपनी एक संस्था लगाएंगे जिसमें कि लोग उनको आके दूध बेचें, फिर वो उनको गाय भी देंगे और कुछ धन भी उपलब्ध करवाएंगे वगैरह वगैरह कुछ। आपका आपका उसमें मानना क्या है? मतलब मैं तो खिलाफ हूं इन लोगों के। मैं ये सब ढकोसला है, पब्लिक को मूर्ख बनाना है। मेरा मेरा मेरे भी उनसे कल परसों बात हो रही थी, मेरा उनसे निवेदन ये है कि जैसे कि हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हम धन को मुख्य मान के क्यों चलते हैं? हम एक छोटे से बीज से कहीं प्रारंभ करते हैं, हमें धैर्य होना चाहिए हमारे पास में। अब जैसे उनकी योजना है उसमें करीब उन्हें 28 लाख रुपए चाहिए काम शुरू करने के लिए, तो 28 लाख रुपए से काम हम शुरू कर रहे हैं ये तो एक व्यापार है, और इसमें सामाजिक चेतना का विकास ये कैसे होगा ये मेरे समझ में ही आया। ये तो वैसी बात हो गई। मैं आपको बीच में दूंगा जी, बताएं, जब तक लोकल जागरूक आदमी उनके साथ नहीं है जी, उसको नहीं लेंगे वो जी जी। वो देहरादून के जो शिक्षित वर्ग है जी, जो रिटायर्ड फौजी होंगे जी, वही उसमें मेंबर होंगे जी, गांव का आदमी कोई नहीं होगा। अच्छा, मेरा उनका उनका कहना यह है कि जब तक गांव के आदमी को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, जब तक उसके जीवन के स्तर में सुधार नहीं आएगा, तब तक हम उससे किसी भी पर्यावरण की बात नहीं कह सकते हैं, हम उसे कोई भी अन्य बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आदमी तो अपने बिजी है। उनका 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 उनका, उनका तर्क ये है। देखो मैं आपसे, और आप कह रहे हैं कि पहले जागरूक आदमी है, वो कह रहे हैं पहले खाना खाएगा। आप भी इधर से निकल जाइए, देहरादून जाइए जी जी, आपको भी ले जाइए। मैं जाऊँगा, हम साथ जाएंगे जी। सारा इलाका सर सब्जी है जी, आलू मटर। उनका ये कहना है कि यहाँ के आदमी का जीवन से बहुत खराब है, बहुत गरीब है यहाँ के लोग, बहुत बुरी हालत है। आप उनसे ये पूछिए जी 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 कि पिछड़ा क्षेत्र जब जौनपुर नारायण तिवारी ने पिछड़ा क्षेत्र जौनपुर जौनपुर ब्लॉक में है जी, और सकलाना पट्टी भी है जी, 6 पट्टियां तो पिछड़े क्षेत्र में आ गए जी, सकलानों को क्यों नहीं पिछड़ा किया जी? यानी इससे पहले भी 50 साल आजादी को मिले हुए हो गए जी जी। यहाँ देहरादून कॉलेज नजदीक है जी, सब पढ़े लिखे हैं जी, सब फ्रीडम फाइटर हैं जी जी जी, अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं लोग जी 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 जी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कोई पिछड़ापन और गरीबी दिखाई नहीं पड़ी? बिल्कुल, मुझे दिखाई नहीं। मैं भी नहीं मानता हूँ, चाहे आप तो खैर यहाँ के जानते हैं। मेरे जो 6 लड़के हैं, आपको सारे बच्चे यहाँ पर आप सब जानते हैं, 6 लड़के हैं जी जी, और 6 के 6
सर्विस में नहीं, मेरा उनसे एक निवेदन है, अरे छह का छह सर्विस में नहीं। जी जी जी, हमारी खेती बाड़ी से अपना गुजारा चल जाता है। जी जी जी, आलू मटर जी जी जी, न मिले वो नौकरी। जी जी जी, आप मंझगांव में चले जाइए जी, विशेश्वर सकलानी के गांव से आगे जी, यहाँ पर पूर्ण सिंह कंधारी रहता है जी, और एक दिन बैठे रहिए, करोड़ों का व्यापार चलता है वो। जी Another, just a second. Do you still talk about the forest? Otherwise, because I have to save my tape. Is it still about the forest? About the? No, it is not exactly about forest. It is about what Colonel Saklani's program is there, and he is saying that the Colonel Saklani's program is actually faulty, and he is presenting a counter view over that. I am presenting to him what the discussion I had with Colonel Saklani. Okay, but I cannot film all this because I have to save tape, you know, otherwise... yeah, so you... Is this with the forest he told a little bit? No, the forest thing is over. Okay, because otherwise no, I... Sure, sure, yeah, yeah. What is the story? What can happen? This is all about making money. I will tell you actually. I'm telling you, where are you running? Stop! Come to the side.
हमारी वही मजबूरी है साहब जी, लेकिन उसको मैं कह दूंगा कि हम अपने आदमी हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपसे छोटे भाई की तरह बात करेगा। अच्छा तिवारी हैं इसलिए तो फिर कुछ नहीं है। जी 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 जी, वो तो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पर, है ना। अवश्य पैसे देने खूब तगड़े हो गए। अच्छा अब गैरसैंण, गैरसैंण क्यों भाई? क्योंकि गैरसैंण में भाई अब मोटे ठेके होंगे, समझ गए भाई, जो टेढ़े डैम वाले हैं वहाँ से खाएंगे भाई। अब वो डैम जब बन जाएगा, जब हो जाएगी खाने से, अब आप तो कहीं जलनी चाहिए ना रोटी से।
मेरी माटी की जैसे प्रभु जब जीवन निकल जाए, मेरी माटी की जैसे प्रभु जब जीवन निकल जाए, मेरी माटी की देह में एक वृक्ष लग जाए, छूट गई जो सेवा मुझसे, छूट गई जो सेवा मुझसे, वो सेवा वो वृक्ष ही कर पाए, मारो पाथर पीड़ा शांत कर देवे, मारो पाथर फल दे देवे, अपने आप शांत करे घाम, औरों को दे देवे विश्राम, चाहिए जान ले ले जख्म से यूं था। हम प्यास को शांत करते हुए प्यासे को पानी लेना न भूले, संकट और दुखों को शांत करते हुए सेवा का भाव न भूले, यही गुण जान ले ले जख्म से इंसान। आओ मिलकर, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, मैं 1347 में यहाँ फौज पुलिस आई थी और 11 जनवरी 1948 में नागेंद्र जी कीर्ति नगर में शहीद हुए थे, और उनियाल गाँव के या जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम इस तरफ भी हैं। तो ये 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक याददाश्त है, चले गए वो जो लौट कर नहीं आए, हम इंतजार ही करते रहे, हम भी जाने के लिए तैयार हुए, चले गए वो जो लौट कर नहीं आए, हम इंतजार ही करते रहे, हम भी जाने के लिए तैयार हुए। अमर शहीद नागेंद्र नगर सात हजार के जंगल जंगल लूटे, चिमटे तक घर में नहीं छूटे, 1347 आई कद्दू खाल में बिगुल बजाई, पुजार गांव में लूट मचाई, 7000 के जंगल लूटे, चिमटे तक घर में नहीं छूटे, यह हालत थी उस वक्त। और नागेंद्र दास सकलानी गांव गांव में जा कर के रात लोगों में एक जागरूकता लाते थे, और बचपन से ही वो
सामनेवादी थे और 28 साल की अवस्था में कीर्तिनगर में शहीद हो गए और उनकी लाश के ऊपर टेरी की आज़ादी हुई। जब वो देवप्रयाग में उनकी लाश हुई तो 11 जनवरी 1947 को उनकी लाश हुई और 12 तारीख उनकी लाश उठा करके गांव में घुमाते हुए टेरी भिलंगना और गंगा के संगम पर उनका दाह संस्कार हुआ। मौला राम भरदारी का उनका चंद्र सिंह गढ़वाली उनके साथ साथ थे, गांव में घुमाते घुमाते उनके टेरी चलो नागेंद्र टेरी जा रहा है। तो हमें आज हमें आंसू आ जाते हैं और 28 साल के अवस्था में चले गए। और जब रामायण कांड हुआ था 1937 में वो 10 साल के थे, मैं 8 साल का था, तभी से हमने राजा के प्रति एक विद्रोह की भावना जागी और हम लोग समाज से बने रहे और मैं अभी तक चल रहा हूँ। लेकिन राजा आज भी वही है, है? राजा आज भी उसी का है जो आज भी वही राजा है समाज में। आज तो और भी भयंकरता हो गई है, परंतु यह है कि शिक्षा अगर यहाँ पहले सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थे, इसको 1972 में श्री सोमबारी लाल जी और हमने इसमें कोशिश की। 1972 से अब तक यहाँ पहले सड़क नहीं थी, कुछ नहीं थी, इससे पहले सोमबारी लाल जी तो खैर बच्चे ही थे, छोटे बच्चे थे। 1967 में जब यहाँ आए थे तो 1967 में हमने पहले 1947 में जब मारा था और अब टेहरी में शहर को डुबो दिया गया है जिसके अब खंडहर भी नहीं बचेंगे। टेहरी रो रही है, टेहरी दोबारा रो रही है, टेहरी रो रही है क्योंकि हो गई है हरियाली खत्म। तो आज के नागेंद्र कहाँ चले गए? आज के नागेंद्र तो सब लोग बन गए जी हाँ वही है ना। तो वो जो राजा है खत्म नहीं हुआ बल्कि वो उसका जो राज्य है वो और बढ़ गया है, अब उसने शहर को भी खा गया है। वो शहर क्या आजकल जितने मिनिस्टर हैं ये पूरा यहीं से और ये पूरा आ गया और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक अगर मकान बनाने के लिए कंप्लीट जंगल एक्चुअली वहाँ से अच्छी निकलती है छीन लो जो अगर कोई मकान जैसे आप मकान बनाना चाहें यहाँ तो मैं उस फ्री जगह दूंगा आपको। अच्छा। वो बताता हूँ आप। ठीक है सर, चलिए। जो आपने लगाया हुआ है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ऊपर तक जी। ना खाली पहाड़ भी है ना जी जी। खाली जगह वहाँ भी कुछ पेड़ लगाए थे। अच्छा। तो और भी लगाए तो इन हाउ मेनी इयर्स हैव यू प्लांटेड दीस ट्रीज? आपने कितने साल में ये पेड़ लगाए हैं? अभी तो बचपन से ही वो चल रहा है ना मेरा। फिर भी किस्म से आग लगा जाएगा। अब ये तो है कि बचपन से ही आदत है, पर विशेष ये है कि जब नागेंद्र जी 11 जनवरी 1948 में जब ख़त्म हो गए तो जंगलों में पड़ा रहा मैं, जंगली लगाता तो मुझे यहाँ वियोग मुक्त शक्ति मिली यहाँ पर। सिंस 11 जनवरी 1948 व्हेन हिज ब्रदर वाज शॉट डेड then he came to the jungles and since then he is planting trees there. 11 जनवरी 1948 में मेरे भाई साहब को गुजरी, 11 जनवरी 1958 में मेरी पत्नी गुजरी। In 1958 his wife expired. और 11 जनवरी 1934 में मेरे पिताजी गुजरे। Same date 11 जनवरी 1934 his father also expired. तो ये सबके याद में है। जंगल इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर वाइफ एंड फादर। मैंने जहाँ वो पहाड़ हैं उसके पल्ली तरफ
the jungle is also on the other side of the mountain. तीन ग्राम सभा मंदिर से मंदिर आ गया किसके बीच में ऐसे तो बचपन में मैं बकरी चंगाता था और चलाता था जहाँ जाता था तो पेड़ लगाता था उसके पीछे एक कहानी ये है कि कभी दहेज में 300 वर्ष पुरानी बात है 300 वर्ष पुरानी बात है मेरे पिताजी कहानी लगाते थे ना कि एक पत्थर की ओखली पानी का धारा और देवदार की पौध दहेज में आई थी जो कि हमारे यहाँ से करीबन 40-50 किलोमीटर पर थी तो तभी से बचपन से ही मेरे जन्मजात संस्कार पेड़ लगाने के हैं कई बार आग भी लगी कई बार कुछ भी हुआ पर तो मैं चलता ही रहा हूँ और अब लोगों में कुछ जागरूकता आ गई और अब मुझे उम्मीद है कि शायद अब लोग इस तरफ चलेंगे क्या कहें जंगल के उपकार बोलो क्या कहें जंगल के उपकार बोलो क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयान क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयान मिट्टी पानी और बयान जिंदा रहने के आधार आओ मिलकर वृक्ष लगाए आओ मिलकर वृक्ष लगाए हरा भरा संसार बनाए आज हिमालय की लड़का आज हिमालय की लड़का बेचा एक वृक्ष हजार आज हिमालय की लड़का जैसे कि ये पेड़ हैं जो भी करीबन 30-40 वर्ष के रहेंगे तो ये पेड़ भी लगाए हुए हैं ये बगीचा लगा हुआ है जैसे घुमाने का ये नाप से ज़मीन है वैसे नहीं ये खाने में अखरोट के हैं उसके हैं सभी बांझ के हैं ये कुछ द ट्रीज हियर व्हिच आर ऑफ अराउंड 30-40 इयर्स ऑफ एज दे हैव बीन प्लांटेड बाय हिम अखरोट के पेड़ भी हैं घुमाने जो खत्म हो चुके हैं यहाँ बगीचा लगा हुआ था पूरा जी यहाँ पानी भी है खाने में ठीक करके जी और यहाँ पर अखरोट का पेड़ होगा एक अखरोट का भी है ये अच्छा? खुमानी का भी है जी इधर ये पूरा बगीचा लगा वो घास के जो लगे हुए हैं ना जो अच्छा वहाँ पर हाँ जी ये जी, सब जी. तो हमारे हैं ये अच्छा वातावरण को देखेंगे जी 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 तो जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा ये बात सही है सही बात है जो जंगल में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा जी 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 क्योंकि आपको रोटी तो खानी चाहिए ठीक है गाड़ी काटी और फिर जला दिया
The bush has been burned here. Grass ke liye. It is not the tree, but the bush has been burned. ये बिल्कुल गलत तरीका है, नहीं है? But this is the wrong method of doing things. कैसे सही तरीका क्या है करने का? हैं? सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि यहाँ पर जो कांटेदार पेड़ हैं, जी, उनको बना करके, जी, नीचे नीचे काट करके उनको बढ़ा दे जाओ। अच्छा। और बाकी जैसे कि ये लगाई छुपड़ी, ये लगा दी, जलाओ मत इसे, यही बढ़ाने स्वयं सड़ जाएगी वो से। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो जैसे कि ये है ना, ये अभी से घास भी जल गया, पेड़ भी जल गए, यानी शतावरी के जो पेड़ थे वो शतावरी भी खत्म हो गई। ओए होए, नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान हो गया। Climbs like a goat. इसमें खुमानी के पेड़ लगे हैं 600, अब खत्म हो गए, होने लग गए हैं। अच्छा। अब ये अखरोट के पेड़ भी हैं, अखरोट के पेड़ तो 5-7 हैं। जी। ना? ये अखरोट के पेड़ किसने लगाए? नहीं नहीं। अच्छा, अखरोट भी आपने लगाया? हाँ। खुमानी भी आपने लगाया? हाँ। अच्छा अच्छा, बुरांस लगाया आपने? बुरांस अपने आप होता है। अपने आप होता है? हाँ, बुरांस के अभी बीज नहीं, पेड़ लगाए हैं वैसे, परंतु बीज नहीं, बहुत बारीक होते हैं जो जी उड़ते हैं जो, जी जी, और पहाड़ों पर चिबक कर तब लगते हैं, बुरांस के ऊपर मिलेंगे। आपने अधिकांश पेड़ कौन से लगाए? बांझ के? बांझ और जैसे कि सेब, खुमानी। सेब लगाया आपने? सेब वहाँ है बगीचा, बहुत 2,500 पेड़ लगाए, परंतु हर साल ओले पड़ते थे। कहाँ पर लगाए सेब के पेड़ आपने? उस तरफ। अच्छा। वो जहाँ मनोरी रहता है ना, जी, तो वहाँ पर तो करीबन उत्तर प्रदेश की भूमि भी है, कुछ हमारी भी है। अच्छा। और वो करीबन मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल की भूमि है। उत्तरांचल की भूमि है जी, जी, जी। तो उसने अब जंगल बना दिया वहाँ। अच्छा। क्योंकि हर साल ओले पड़ते थे जी, तो 2,500 पेड़ लगाए थे सेब के, खुमानी वगैरह के, अखरोट के। जी जी। तो यहाँ भी लगाए, वहाँ भी लगाए, वहाँ भी अब मकान है, जमीन है वहाँ पर। अच्छा। और कुछ उत्तर प्रदेश की भूमि है, कुछ अपनी है, उसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि पूरा एरिया नापा जाए तो 100 बीघा तो होगा। अच्छा, तो वो उत्तरांचल की भूमि है कि आपकी भूमि है? कुछ उत्तरांचल की है, कुछ अपनी है। अच्छा, तो आपने पेड़ तो अपनी भूमि पे लगाए होंगे या उत्तरांचल की भूमि में भी? उत्तरांचल की भूमि में लगाए, क्योंकि भूमि तो हमारी ही है। वो जंगलात की, जंगलात से हटकर के नहीं, मैं तो मानता हूँ कि भूमि पेड़ की है, पेड़ की है ना, आपकी है ना, हमारी है ना, उत्तरांचल की भूमि सिर्फ पेड़ की होती है बस। जी जी। मैंने प्रकृति को संभालने के लिए वृक्ष हैं जी, और ये भूमि अगर वृक्षों से विहीन हो जाएगी तो भूमि दर भी मर जाएंगे ना, सब कोई नहीं रहेगा। तो ये भूमि और वृक्ष एक दूसरे के पूरक हैं? पूरक हैं जी जी, संभाले हुए जी जी जी। अगर वृक्ष नहीं होगे जी तो ये भूमि का उर्वरक शक्ति या नमी खत्म हो जाएगी जी, तो सारी मिट्टी झूली झूल हो जाएगी जी, तो इसे वृक्ष ही बताते हैं। अब ये पेड़ हैं, ये पत्तों से हवा लेते हैं जी, ये बांस का पेड़ जी, और फिर तने में लाता है, फिर जड़े में भी अपने आप भी पनपता है, और पानी के स्रोतों को भी कायम रखता है। बांस का पेड़ विशेष है, फलदार पेड़ तो है ही जी, पर बांस का पेड़ भी विशेष है इन पहाड़ों को संभालने के लिए। तो आपने जो अधिकांश पेड़ लगाए हैं वो किस चीज़ के हैं सबसे अधिक? सबसे अधिक तो बांस के ही, सबसे अधिक बांस के हैं। उसके बाद देवदार के लगाए, पर उसके बाद देवदार के हैं, देवदार के लगाए, देवदार के जल गए। जल गए? अच्छा, किसने जलाया या अपने आप जल गए? नहीं, लोगों ने कभी वहाँ से आग आ गई, वहाँ वालों ने लगा दी खेतों में अपनी, जैसे ये कट्टे खड़े रहे जी, आग लगाई फिर जंगल की तरफ आ गई। तो आपने क्या लोगों के खेतों में भी पेड़ लगाए हैं?
लोगों के खेतों में कहीं नहीं लगाए पेड़। लोगों के खेतों में तो लगा ही नहीं सकते पेड़, क्यों लगाएंगे? अच्छा, तो कुछ लोगों का कहना है कि आप उनके खेतों में पेड़ लगा देते हैं। ना, ये तो अब उनके पास और दवाई क्या है। ठीक बात है, अगर उनके पेड़ के खेतों में अगर पेड़ नाप सुधे खेतों में पेड़ लगा तो क्या नहीं होता उसका। ठीक बात है जी, भले मालिक जी प्रभु है इसका जी, पर यानी नियम के मुताबिक कानून के मुताबिक दूसरे की जमीन पर अधिकार जमाना। तो वो झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि आपने उनके झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं क्योंकि हमेशा विधवा जो होती है स्वागन देख करके जलती है। जी जी, अच्छा ठीक है, तो उनकी उनकी जलन है जो इसलिए आपसे कहते हैं जो दारू पीते हैं या पैसे कमाने के उसमें लगते हैं। जी जी, तो सब झूठ बोलते हैं। जी जी, अब जैसे यही है जी, ये कुछ जमीन अपनी थी, कुछ लोगों ने एवर बड़ा चला, लोगों ने ये हमारे गांव की जमीन थी नौगांव में ले ली जी, तो उसमें फिर ये हुआ कि वो एक औरत को फरार करके लाए, पुलिस आई और पुलिस के वाले उन्हें पकड़ के ले गए, तो उन्होंने कहा दादाजी तुम पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं होते जी, कि हम घोड़ा दे देंगे। मैंने कहा हमारे कहा घोड़ा गाड़ा नहीं हाथ के हमारा जी, तो ये कुछ जमीन तो ये पहले भी हमारे गांव की थी जी, तो हमारे गांव वालों ने नवा गांव वालों को दे दी थी जी। अब नवा गांव वालों को दे दी थी तो लिखा पड़ी कुछ नहीं थी वैसे जी। अब उनको उन्होंने एक औरत को फरार करके लाए तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, तुम इतने पैसे दे दो जी। तो मैंने कहा ले लो पैसे, कुछ जमीन हमारी भी थी इसमें जी। तो उसे उन्होंने पैसे दिए और एक साल का बाउंड बना लिया जी। तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने पेड़ लगा दिए, ये हमारे गाँव की जमीन है। अच्छा अच्छा, अभी हम जरा वो देखेंगे जो नागेंद्र जी का जो स्मारक है, उधर की तरफ चले हम लोग। हाँ, उधर से चले जी। आइए आइए, बीजों की। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका तो ये है कि टहनी लाए, टहनी के रूप। अच्छा, तो कौन कौन से पेड़ ऐसे हैं जो कि बीजों के माध्यम से उगते हैं? बीजों के माध्यम से जैसे कि जी अखरोट है, चूलू है, बादाम है और पिकिनट है और क्या है उसको नाम पिकिनट है वो, और कौन से ऐसे अखरोट बादाम पिकनिक चेस्टनट जी, ये सब बीज के। अच्छा, और कलम वाले कौन से पेड़ हैं? कलम वाले वैसे नींबू की भी कलम लग जाती है, सेब की भी कलम लग जाती है और उसके क्या कहते हैं उसके लिए शहतूत की भी कलम लग जाती है जी। तो कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनका बीज भी लग जाता है और कलम भी लग जाती है? हाँ, बीज भी लग जाती है, कलम भी लग जाती है। जैसे जैसे नींबू है। अच्छा, तो नींबू में जो कलमी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है कि जो बीज से पैदा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है? यानी एक तो ये होता है कि जो बिल्कुल बीज जो है जी, जैसे कि टांक है जी, टांक भी छोटी जात है सेब की जी, तो वो बीज वो अच्छे होते हैं। अच्छा, और ज़्यादा दिन टिकते हैं जी जी। तो कलम वाले पेड़ तो कम कीड़े लग जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, पेड़ में कीड़े लग जाते हैं? पेड़ में कीड़े लग जाते हैं और जो बीज होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बरास काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है, ऊपर ऊपर बरास काफ़ी है, इस तरफ होगा जाने में से इस तरफ है, थोड़ा सा बरास है। मैं चलता हूँ अभी जी। ये दोनों पेड़ अपने आप हैं? अपने हैं, दे हैव ग्रोन ऑन देयर ओन। अभी में एक होड़ लगी है जी, ये चीड़ और बांझ होड़ लगी है, होड़ लगी है, अरे चीड़ के जंगल में कुछ खुशपोत में बोलें डाड़ी सिलकनी से बांझ बनी थी मेरा आज, रम को पड़ गई रात हो गई, रम को पड़ गई रात हो गई, धोलो आंदो दो घसारी हैं, कुलें डाड़ी सिलकनी से जंगल में आग लग गई न, और छान में एक आदमी बोल रहा है वो जल गए उसके घर काटने वाली वहीं,
तो करे कोलोनी डाली छिलकनी छे बांझ बनी की निनारी रुमक पड़ गए धो लगा दो घसैरी घरों दो घसैरी वो जल गई मर गई वो आवाज दे रहा है धो मने आवाज घरा पर वो तो मर गई थी वहाँ जल कर के Can you ask him what he feels when he's close to a tree? His feeling when आप जब ऐसे पेड़ को कैसी प्रतीति होती है कैसी भावना आपको लगती है कैसा लगता है महसूस कैसा होता है आपको अब ये कुछ चीजें जब ये ऐसी है ना जी कि जिसकी हम व्याख्या ही नहीं कर सकते अच्छा इसकी ये अकल्पनीय है इसकी हम शब्दों में उसको नहीं बांध सकते हम ऐसी अनुभूति होती है आपको हाँ। जी परम आनंद की अनुभूति होती हाँ, है ये है जी कि अगर हम 10 दिन नींबू के पेड़ के नीचे रहेंगे जी जी तो नींबू अपना असर दिखाएगा उसके पत्ते का चिड़चिड़ाहट हमारी जीभ में आ जाएगा अच्छा जी और फिर नींबू के पेड़ के नीचे हमारी क्या भावना होती है जी जी और फिर बांस के पेड़ के नीचे हमारी भावना क्या है 10 दिन तक हम बैठ रहे हैं वहाँ पर जी जी लगातार कई घंटों तक जी तो बांस के पेड़ के नीचे क्या कैसी भावना बनती है ये चीड़ के पेड़ के नीचे क्या तो हर पेड़ जी अपने गुणों को आदमी के अंदर डालता है डालता है अब उन गुणों के मुताबिक उनके उसके भाव जी पैदा होते हैं जी तो कलाकार और जो कवि होते हैं कवि है जी तो जितने पेड़ों के नीचे वो बैठेगा उतने ही गुण मिलेंगे उसको जी जी अब जैसे कि यह ना कि ये जंगल लगा हुआ है जी तो उधर से गाड़ी चल रही थी जी तो मैं अपने जंगल में बैठा हुआ था जी तो वो वृक्ष रो रहे थे आए हाय पाला पाखा गाड़ी चली गे पाला पाखा गाड़ी चली बन वगे खाली वाला पाखा बन मारो कपड़ा लगे डाली डाली बीटी पाले परोसे डाली बीटी पाले परोसे बोले क्या बोलो मन की को क्या भरोसो चकवीरी काटी दे लो हारी डाली डाली नहीं लाकड़ी बने जलो चूल्हा फण जगह जगह राखू करी जलो मन क्यों चेतना जागो मन क्यों चेतना जागो बण देखो डाली मन क्यों चेतना जागो घर देखो बाली दी तेर फो ममता रैली बननी वो न खाली यानी मैं जंगल में बैठा हूँ जी और पेड़ अपनी वेदना बता रहे हैं उधर से गाड़ी जा रही है कि आज तो उधर के जंगल कट गए और शरीफर के शरीफर नीचे जा रहे हैं कल को क्या होगा हमारा कोई भी काट काट देगा हमें हरे पेड़ों को लाल चुटने फने जगा देगा आग जगा देगा तो मन की उम्र चेतना जागो अब तुम जाओ चेतना जगाओ मन आदमियों के बीच में घर में अपने बच्चों को देखो और जंगल में पेड़ों को देखो जिस प्रकार अपने बच्चों पर ममता रखता है उसी प्रकार पेड़ों से ममता रखे जी तो जंगल खाली नहीं होंगे जी उसे ऐसा मत समझो कि ये निर्जीव है जी इनके पास देने को यानी हर वृक्ष एक प्रोफेसर है जीवन पेड़ों से ही है जीवन पेड़ों से जीवन दाता है जीवन दाता है यानी 16 किलो ऑक्सीजन जी प्राणवायु जी जो आदमी को 24 घंटे की जरूरत पड़ती है उसे पेड़ ही देते हैं पेड़ ही देते हैं सही बात ना जी और पेड़ ही जीवन का एक वह है हमारा जी आधार आपने एक गड्ढा खोदा हुआ है अपने लिए मैंने सुना है कि उसमें जब माटी की देह का अंत हो जाए तो फिर उसमें फिर आपको फिर आपके उसमें पेड़ उगेंगे वगैरह तो आपने सुना है मैंने कोई गड्ढा भी खोदा हुआ है यू हैव डग अ ग्रेव फॉर योरसेल्फ व्हेन यू डाई सो दैट यू कैन बी पुट इन दैट मेरी माटी की देह से जब जीवन निकल जाए जी मेरी माटी की देह से जब जीवन निकल जाए जी मेरी माटी की देह में एक वृक्ष लग जाए छूट गई जो सेवा मुझसे वो सेवा वो वृक्ष ही कर पाए मारो पाथर पीड़ा आसान कर देवे
मारो पाथर फल दे देवे, अपने आप सहन करे घाम औरों को दे देवे विश्राम, ऐसा ही गुण ज्ञान ले लेवे वृक्षों से इंसान। हम वो गड्ढा देखना चाहेंगे। हाँ तो यहाँ नहीं है, वहाँ दूर तो है। ये है कि खुशी हो या गम जी वृक्ष लगाए हम जी खुशी हो या गम तीन संस्कार एक हो जाने जी। चाहिए जी। एक जो बच्चे के जन्मदिन पर पेड़ लगे जी, जो बच्चे के जन्मदिन में जो पेड़ लगेगा जी, वो 10 साल का बच्चा तो जब तक ग्रेजुएट नहीं करा पढ़ाया नहीं तब तक डिमांड लेकर के आएगा, अब पेड़ तो देना शुरू कर देगा 10 साल में, पेड़ तक फल देने का फल देना शुरू कर देगा कर देगा जी। और एक जैसे कि शादी के दिन लगा दिया जी, दोनों पति और पत्नी अध्यापक हैं जी, तो एक पेड़ लगा दिया उन्होंने जी, तो कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, एक दो साल तक वैसे रह गए, और पति ने कहा कि मैं तो दूसरी शादी करता हूँ, नहीं करेंगे शादी, आप हमारा पेड़ कैसे आएगी, पेड़ देख लीजिए ये आम का पेड़ है हमारा जी जी, और तो फिर वो दोनों में टकराव हो गया जी, और पति भी अलग रहने लगा पत्नी भी अलग रहने जी जी, पहले एक लोटा पानी ले जाते थे, अब दो लगे जाना, अब दो जो जो आज पहले पत्नी जाती थी जी, और तब पति जाता था जी, और दोनों में झगड़ा हो गया जी, वो करेंगे शादी नहीं करेंगे, हमारा बच्चा ये पेड़ है जी। अब तो जब दोनों में झगड़ा हो गया तो पहले पत्नी जाती थी उसे सींचती थी, फिर पति जाता था तब सींचते थे जी, और दोनों फिर अपनी ड्यूटी पर जाते थे, वो एक साल हो गया ऐसे पर जी। अब एक साल जब हो गया तो पुरुष के अंदर थी कमी या स्त्री की कमी थी, वो कमी पूरी हो गई जी, फिर उनका बच्चा हो जी। न एक दिन ऐसा हुआ कि वो फिर जी उस पेड़ पर आम आ गए जी। अब जब आम आ गए तो नारी का स्वभाव तो पीछा, उसने कि देखो आम आ गया, रो रही थी ना वो जी, तो देखा उसने आज तो रो रही है, वो गले में चिपट गई, देखा हमारे बेटा यही है जी एक आम का फल उसने खाया एक आम का, दोनों में सुलह हो गई। कितनी कितनी प्रेम की बात है, प्रेम की बात जी। अब दोनों ये आम खाया यही कुछ नहीं खाया जी। अब जो कमी थी साल भर बाद उनका बेटा हो गया जी। वाह, तो ये जो पेड़ है ये प्रेम के प्रतीक भी है, ये प्रेम ही है अपने आप में, प्रेम ही उगता है मूर्ति मान होकर। अच्छा फिर ये जी यानी जब आदि मानव पैदा हुआ था जी, तब से अगर उसे दबा देते और पेड़ लगाते जाते जी, तो सबका एक ही आदि पुरुष होता जी, न हिंदू होता, न मुसलमान होता, न अंग्रेज होते जी, न जी। तो तब तक जितने मर्जी पेड़ लगाते जाते जी, अब जैसे हमारे दादा या परदादा का पेड़ कहीं खत्म हो जाता उन्होंने पेड़ लगा दो वहाँ पर, वंश वृक्ष होते हैं जैसे। हाँ जी, तो एक वृक्षावली जैसे बन जाती है, आपने आपने बनाई तो है एक वृक्ष, आपने एक श्रृंखला बनाई है पेड़ों की। हाँ जी, उसको भी देखना चाहेंगे। हाँ, 11 फुट के ताजमहल की बजाय लोग अगर वो शाहजहाँ पेड़ लगा देते तो कितना अच्छा अच्छा रहता। उन्होंने तो बल्कि लोगों के हाथ भी कटवा दिए थे, जो कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए गए थे। नौटियाल से जब बातें की मैंने जी, तो उसने कादम्बनी के जी 88 की फरवरी में जी, कादम्बनी में 88 की फरवरी में लिखा उसे कि शाहजहाँ होता तो भी ताजमहल बनाता जी, सकलानी ने वृक्ष लगाए जी जी, जब वृक्षों की जरूरत है तो उसमें 3-4 पेज भरे हुए थे जी, तो उसमें घनश्याम भट्टूरी नाथ पड़े कि शाहजहाँ होता तो ताजमहल बनाता, विशेष पेड़ लगाए सही बात ना। फिर और चर्चा में सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर जी, तो यार उन्होंने परिवार ही हो जाए, अगर पहले हो जाता तो तब तो कैसा रहता जी, तो किसी ने सवाल करता सुंदरलाल भी न होते, विशेष न होता ये सम्मेलन भी ना होता, सम्मेलन भी ना, तुम भी ना होते, कोई भी नहीं होता जी जी। तो हमारे से हंसरे की क्यों हंस रहे हो जी, कि अगर पहले परिवार नियोजन हो जाता तो ये ऐसे चल रहा है, बल्कि पहले हो जाता परिवार नियोजन तो सुंदरलाल जी नजर विशेष जी चले भी।